हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की ग्राउंड प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 2160.25 की ग्राउंड प्राइस चल रही है। साथ ही साथ में आज के दिन में स्टॉक में लगभग 5% की शानदार सी तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, हमने इसे वन डे टाइम फ्रेम में सेट किया है। देखिए दोस्तों, तेजी के पीछे की वजह यह है कि नीचे के साइड में एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन है 1950 से लेकर 2020 का, जहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर की ओर बाउंस कर चुका है। तो अभी फिर से स्टॉक में यहीं पर आने के तेजी यहां पे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि सपोर्ट जोन है। पॉसिबिलिटी दिख रही है कि स्टॉक में यहां से बाइंग साइड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए अपसाइड में देखने को मिल जाए। और ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो 2400 से लेकर 2480 का जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर और भी काफी अच्छी तेजी हमें स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आप पहले से स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हो तो इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना ना भूले। उम्मीद करता हूँ टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले एक साल के रिटर्न की, जो 38% से भी ज़्यादा रिटर्न हमें पिछले एक साल में देखने को मिले हैं। स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रही है। और सबसे अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़, नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6185 CR का देखने को मिलता है। स्टॉक में हमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए सब बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। वन एनालिस्ट 100% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफी अच्छी सलाह, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। बात करते हैं पीएस की। पीएस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं पेज इंडस्ट्रीज, रेमंड लाइफस्टाइल और रेमंड लिमिटेड। ठीक है, और प्राइस कंपेरिजन के अंदर आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली लक्स इंडस्ट्रीज में ही सेक्टर वाइज काफी अच्छी तेजी, काफी अच्छा बाउंस, काफी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल चुका है। उम्मीद करता हूं दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।